वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दो तरीके की सैंडविच। एक है चीज चटनी सैंडविच और दूसरी है मसाला चटनी सैंडविच। और ये दोनों ही नो ग्रिल सैंडविच है। बहुत ही कम समय में बनने वाली ये सैंडविच को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है। यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड ली है। आप कोई सी भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। हमें ब्रेड के ऊपर बटर लगाना है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि ब्रेड के ऊपर हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर पाए। सब तरफ हमें बटर को अच्छे से लगाना है और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लगाना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर हमें सैंडविच की चटनी लगानी है। स्पेशल जो सैंडविच की चटनी आती है वही चटनी हमें इसके ऊपर लगानी है। यही चटनी से हमारी सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनती है। सैंडविच की चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड करके रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने चटनी की वीडियो की लिंक दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब उसके ऊपर हम डालेंगे बहुत सारा चीज़। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। चीज़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर चीज़ चटनी सैंडविच है तो चीज़ थोड़ा ज़्यादा होगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम थोड़ा ऑरेगानो डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम ब्रेड की स्लाइस को ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो रेडी है हमारा चीज चटनी बटर सैंडविच। टेस्टी तो ये है ही, पर लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे मसाला चटनी सैंडविच। ब्रेड के ऊपर हमें बटर को अच्छे से स्प्रेड करना है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से ये स्प्रेड हो पाता है। हमने अच्छे से बटर लगा लिया है। अब हम लगाएंगे सैंडविच की ग्रीन चटनी। इसे भी हमें सब तरफ अच्छे से लगा लेना है। सैंडविच चटनी की रेसिपी की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां पर जाके चटनी की वीडियो देख सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर डालनी है नायलॉन सेव। आधे हिस्से में ही हमें नायलॉन सेव को डालना है। मसाला सैंडविच में नायलॉन सेव बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला सिंग। मार्केट में जो रेडी मसाला सिंग मिलती है वही हमें डालनी है। सेव और सिंग का टेस्ट ये चटनी के साथ सैंडविच में बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इसे भी ऐसे फोल्ड कर देना है। तो तैयार है हमारी मसाला चटनी सैंडविच। एक नए टेस्ट वाली ये सैंडविच आप बना के तो देखें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप ये दोनों सैंडविच रेसिपी को घर पे जरूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।